रुद्रप्रयाग की दोनों विधानसभाओं की मतगणना पूरी हो चुकी है, जिसमें भाजपा प्रत्याशी अनिल बलूली ने कांग्रेस प्रत्याशी गणेश गोदियाल से 26,718 मतों से बढ़त बनाई। रुद्रप्रयाग विधानसभा से इस बार भी जनता ने सबसे अधिक वोट भाजपा के पक्ष में दिए हैं। जिलाध्यक्ष महावीर पवार ने कहा कि जनपद के सभी मतदाताओं का आभार जताया और धन्यवाद किया। 10 साल की सरकार के बाद एक एंटी इनकुम्बेंसी जो है वो बहुत ही नैसर्गिक होती है, लेकिन उसके बावजूद मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरह से देश ने इन 10 सालों में उपलब्धियां हासिल की है उसको देखते हुए तीसरी बार जो है भारत की जनता ने जनादेश एनडीए के पक्ष में दिया है। रुद्रप्रयाग विधानसभा क्षेत्र के लोगों को भी मैं विशेष रूप से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने अपने पिछले रिकॉर्ड को कायम रखते हुए तीसरी बार फिर से भारतीय जनता पार्टी के जो संसद लोकसभा के प्रत्याशी थे उनको भारी मतों से विजयी बनाया है। और मैं मानता हूं इस बात को कि हमारी अपेक्षाएं इससे काफ़ी ज़्यादा थी, लेकिन हर बार सब कुछ आपकी अपेक्षाओं के अनुरूप हो ये संभव नहीं है, और ख़ास तौर पर राजनीति में। और 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी के बाद जिस तरह के परिणाम आए हैं वो हम कह सकते हैं कि बहुत ही उत्साहवर्धक है, और तीसरी बार हमको जो है लगातार केंद्र में सरकार बनाने का मौका मिला है। मैं धन्यवाद दूंगा अपने जनपद रुद्रप्रयाग के उन तमाम उन मतदाताओं का जिन्होंने पुनः भारतीय जनता पार्टी परिवार में भरोसा रखते हुए हमारे प्रत्याशी के पक्ष में वोट किया है। और वर्तमान में जो हमारा आज जो हमारी काउंटिंग जो पूरी हुई है उसको हमने 2014 के जो परिणाम थे भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में 26,000 वोटों की लीड हमने तत्कालीन पूर्व मुख्यमंत्री श्रीमान भुवन चंद खंडूड़ जी के लिए वोट किया था, वही आज वही रिकॉर्ड हमने उसको आगे बढ़ाते हुए हमने 1,000 मतों से अधिक उसमें रखते हुए आज हमने अपने लोकप्रिय प्रत्याशी अनिल बलूनी जी के पक्ष में हमें यहाँ पर 27,000 वोटों से जनपद रुद्रप्रयाग से लीड मिली है। हालांकि जो उत्तर प्रदेश और तमाम कुछ राज्यों से अनेक अपेक्षित जो परिणाम हमको मिला उसने हमको निराश अवश्य किया है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि उसके बावजूद भी अगर तीसरी बार अगर एनडीए सरकार के लिए अगर हमारे लोकतंत्र का जो एक प्रक्रिया है उसमें पुनः वोटरों ने अगर भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दिया है तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ।